दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बहुत बढ़िया यहाँ पे अपडेट निकल कर सामने आ गई है। अब जो है दोस्तों, यहाँ पे उनका डेट जारी कर दिया गया है कि अब जो है उनका पेमेंट कब तक जो है से यहाँ पे उनके अकाउंट में दोस्तों चला जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों का यहाँ पे डाटा वेरीफाई हो गया है और कुछ लोगों का वेरीफाई नहीं हुआ है, तो उनका भी मैं बताऊँगा किस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपका दोस्तों जो है डाटा यहाँ पे वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि कब तक जो है आपके अकाउंट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसा मिलता है वो कब तक जो है दोस्तों आपके अकाउंट में चला जाएगा। दोस्तों, आप जो है यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो है प्रभात खबर का दोस्तों जैसे ऑफिशियल यहाँ पे पेपर का कटिंग है। और यहाँ पे देखिए, बिहार के जो है 1 लाख गरीबों को 100 दिनों में मिलेंगे घर। ठीक है, और यहाँ पे राज्य के देखिए, 1 लाख लाभुकों को जो है वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का जो है लाभ यहाँ पे 12 सितंबर तक लाभुकों का जो है दोस्तों यहाँ पे चयन किया जाएगा। और 15 सितंबर तक दोस्तों जो है लाभुकों के खाते में प्रथम किस्त की राशि दोस्तों जो है यहाँ पे भेज दी जाएगी। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया कि आज 15 तक जो है आपके अकाउंट में जो है आपको पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये जो है दोस्तों बहुत बड़ी यहाँ पे अपडेट सामने निकल कर आई थी कि 15 सितंबर को लाभुकों के खाते में जो है भेजी जाएगी प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त। ठीक है, और 12 सितंबर को जो है लाभुकों को आवासों का होगा चयन। 12 तक दोस्तों जो है इसका चयन ही होना है, 15 तक जो है आपको अकाउंट में यहाँ पे पैसा भेजा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग 4 वर्षों से 13 लाख लाभुकों आवास योजना के लिए जो है इंतजार कर रहे हैं। प्रतिक्षारत 13 लाख लाभुकों में से जो है 1,02,942 जरूरतमंदों को जो है आवास योजना का लाभ यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट थी। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपका दोस्तों जो है लिस्ट में नाम आया है या दोस्तों। नहीं चेक आया है। करने के लिए आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं, यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ रहता है। अब आप आवास सॉफ्ट वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पे रिपोर्ट वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे इतना करने के बाद आपको जो है यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों जैसे आपको ई वाला सेक्शन पे आना है, यहाँ पे चौथे नंबर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जैसे यहाँ पे जैसे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा, आप अपने अनुसार यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप जो है यहाँ पे आपको जिला को दोस्तों सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है। इसके ऊपर दोस्तों जैसे मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को अगर नहीं देखें तो इसका लिंक जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों दिया हुआ है। फाइनली उस लिंक पर क्लिक करके जरूर देखिएगा, उसमें जैसे आप पता कर पाएंगे कि आपका दोस्तों लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो मैंने आपको डेट बता दिया और किस तरह से चेक करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।